18वीं लोकसभा के शुरू होते ही विपक्ष ने नई संसद में लगे सेंगोल को हटाने की मांग तेज कर दी है। सेंगोल को हटाने को लेकर सियासी सरगर्मी और समाजवादी पार्टी सांसद आर के चौधरी ने भी इसे राजशाही का प्रतीक बताकर हटाने की मांग की। उन्होंने प्रोटेम स्पीकर को चिट्ठी लिखी थी कि संसद से सेंगोल को हटाकर संविधान की कॉपी लगाई जाए। इस पर विपक्ष ने इस मांग को सही ठहराया तो भाजपा सहित एनडीए नेताओं ने भारतीय संस्कृति का अपमान बताया। इन्हीं सभी मुद्दों पर एवन टीवी संवाददाता आरती राय ने खास बातचीत की बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल से। को लेकर सदन में काफी राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है, उसी पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ है छत्तीसगढ़ सरकार में शिक्षा मंत्री है और सांसद भाजपा के शिक्षा मंत्री रहे भाजपा के सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी, इनसे बात करेंगे। सर, सेंगोल को लेकर काफी सियासत नजर आ रही है। सेंगोल को लेकर कोई राजनीति करना ही नहीं चाहिए। अगर आप राजनीति में शुचिता चाहते हैं, राजनीति में आप चाहते हैं कि दायित्वों का निर्वहन करें, उसका आपको आभास हो, राजनीति में आप चाहते हैं कि आप सेवा करने के लिए राजनीति में आए हैं, तो सिंगोल उसका प्रतीक है। वो धर्म दंड है, राज दंड नहीं है। और इसलिए नेहरू जी के ज़माने में भी ऐसा दंड हुआ करता था, कालांतर में उसको हटा दिया गया। उस जमाने में क्यों, कभी उनके पूर्वजों ने विरोध किया क्या? आज विरोध कर आप सस्ती राजनीति कर रहे हैं और देश की राजनीति को, जो सिद्धांत की राजनीति होनी चाहिए, सेवा की राजनीति होना चाहिए, जो अधिकारों की राजनीति होना चाहिए, जो दायित्वों की राजनीति होना चाहिए, जो धर्म की राजनीति होना चाहिए, वो उसका प्रतीक है। इसलिए उसके बारे में बात करना ये नासमझ का प्रतीक है। एक तरफ सेंगोल है, दूसरी तरफ संविधान है, सदन में इसी की बात हो रही है। आर के जो समाजवादी पार्टी के सांसद है उन्होंने कहा है कि सदन से जो है सेंगोल को हटा देना चाहिए। अच्छा, संविधान में हमारे अगर ओरिजिनल संविधान देखें तो उसमें राम जी का भी चित्र है, उसमें कृष्ण जी का भी चित्र है, उसमें हमारे ऋषि मुनियों का भी चित्र है। तो हमारा जो संविधान है वो सार्वभौम है, इसलिए संविधान से उसकी तुलना करना ये अलग है। और इसलिए संविधान जो है, संविधान की बातों को हम माने, संविधान के अनुसार देश को चलाएं, सिंगोल उसी का प्रतीक है। सर, एक स्पीकर की बात करें, ओम बिरला ने अपने भाषण में जो इमरजेंसी की बातें कही उसको लेकर विपक्ष काफी निंदा की और उन्होंने कहा कि जो स्पीकर होता है लोकसभा स्पीकर सभी के लिए एक समान है, सभी पार्टियों के लिए एक समान है, तो ऐसे में किसने निंदा की? विपक्ष ने। कौन से विपक्ष ने? सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने? तो कांग्रेस पार्टी सिर्फ विपक्ष नहीं है, विपक्ष के बाकी दल भी है। क्या उन्होंने निंदा की? क्या कांग्रेस तो इमरजेंसी लगाने के पाप के भागीदार हैं। उनकी नेता इंदिरा गांधी ने पूरे देश को जेल बना दिया था, लोगों को जेलों में ठूस दिया था, लोकतंत्र की हत्या कर दी थी, प्रेस के ऊपर में प्रतिबंध लगा दिया था। उसका समर्थन कर क्या वो इमरजेंसी का समर्थन कर रहे हैं? इंदिरा जी ने स्वयं माफ़ी मांगी थी इमरजेंसी लगाने के लिए। तो इस प्रकार की बात करना तो ये बेतुकी बातें। पेपर लीक के मामले में क्या कहेंगे सर? जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है एनटीए को लेकर और साथ ही पेपर लीक जिस तरह से हुआ है उसको लेकर काफी, देखिए ये तो ये कोई सरकार की त्रुटि नहीं, आधिकारिक त्रुटियां होती हैं, परंतु जब उसके ऊपर में एक्शन हो रहा है, कार्रवाई हो रही है, परीक्षाओं को स्थगित कर दिया, बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए तुरंत एग्जाम लिया गया, तो मुझे लगता है कि उन गलतियों को सुधारने के लिए सरकार काम कर रही है और भविष्य में ऐसी गलतियां नहीं हों इसके लिए सरकार पुख्ता, उसके लिए कानून ले आया और कानून लाकर उसमें कड़ी सजा का प्रावधान किया है। तो उसके बाद तो मुझे लगता है कि विपक्ष को इसके ऊपर में बोलना नहीं चाहिए, ये देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है। बात करने के लिए तो ये थे बृजमोहन अग्रवाल जी, भाजपा के सांसद और छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री हैं। मैं आरती राय, कैमरा पर्सन राधे के साथ एवन टीवी दिल्ली।